क्रॉस ट्रेनिंग कैंप में विभिन्न विभिन्न यूनिवर्सिटीज़ के कैंडिडेट्स आए हुए हैं, हमारे वॉलेंटियर्स आए हुए हैं। आज मैं आपको एक वॉलेंटियर से रूबरू करवा रही हूँ, वो भी आपको अपने इंट्रोडक्शन देंगे कि वे कहाँ से आए हैं, क्या नाम है उनका, यहाँ आने का उनका क्या पर्पस था। आपका शुभ नाम? मेरा नाम रॉबिन है और मैं CCS HEU के साथ से हूँ, और यहाँ पे आने का सबसे बड़ा पर्पस था कि जब भी हम कहीं बाहर आते हैं तो इतने स्टेट लेवल कंपटीशन में, तो वहाँ पे क्या होता है कि आपको रिसोर्स पर्सन मिलते हैं, वहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, समझने को मिलता है, और उससे आप अपने आप को भी इम्प्रूव कर सकते हो और आपको नेक्स्ट लेवल मिल जाता है कि आपको कहाँ जाना है। आपको इस कैंप में क्या क्या चीज़ें अच्छी लगी? यहाँ पे बहुत से रिसोर्स पर्सन आए, हर एक ने अपनी तरफ से कुछ बातें हमारे सामने रखी, किसी ने हमें स्मार्ट होने का मतलब बताया, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, स्मार्ट होने का मतलब वो फोन होने से लगाते हैं, कोई ड्रेसिंग सेंस को चेंज करता है, कोई किसी को चेंज करता है, पर उन्होंने बताया कि ड्रेसिंग सेंस को चेंज करने से कुछ नहीं होता, आपको अपने व्यवहार को स्मार्ट बनाना पड़ता है, आप सेंसिटिव भी होने चाहिए, आप मोटिवेटेड भी होने चाहिए, आपके अंदर इतनी चेतना भी होनी चाहिए कि आपको अपने समाज के लिए क्या करना है, आपके अंदर टैलेंट भी होना चाहिए, ये सब चीज़ें बताई। एक हमारी मैडम आई थी यहाँ पे, शालिनी मैम, उन्होंने हमें बताया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये पहला मौका था जब उन्होंने लड़कों के आगे, सिर्फ एक ऐसा कैंप जहाँ पे सिर्फ लड़के थे, और वहाँ पे कैंप में एक ऐसी बात हो रही है जो सिर्फ लड़कियों के लिए है, तो यहाँ से हमें एक ऐसा मोटिव मिला कि हाँ, लड़कियाँ समाज के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। उन्होंने हमें बताया कि लड़कियाँ भी अपने आप का सहारा बन सकती है। मैम ने अपनी पर्सनल स्टोरी यहाँ पर शेयर की कि वो तीन बहनें हैं और अपने माता पिता का ध्यान वो कितनी अच्छी से रखती हैं। उन्होंने बताया कि लड़कियाँ भी समाज के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। क्या आप यूथ को कोई मैसेज देना चाहते हैं? यूथ के लिए यही मैसेज है कि उनके पास इतना टैलेंट है, इतनी अपॉर्चुनिटी है, उन्हें उसका यूज़ करना चाहिए, हमें जागरूक बनना चाहिए। हम अपने आप को एजुकेटेड बताते हैं, पर लेकिन हमें ये नहीं पता कि हमें व्यवहार कैसे कर रहे हैं, वल्गैरिटी बढ़ रही है, हमें ये नहीं पता कि हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए सोसाइटी की तरफ, हमें ये नहीं पता कि हमें अपने देश के लिए क्या करना है। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि अपने गोल्स बनाओ, आपको ये देखना पड़ेगा कि कैसे आप अपनी सोसाइटी के लिए एक एसेट बन सकते हो। आपको सबसे बड़ी बात ये है कि आपको ये देखना है कि आप कैसे अपनी सोसाइटी को, अपने देश को आगे ले जा सकते हो। लीडरशिप हो चाहे वो कुछ भी हो, आप में से लीडर भी बने, तो लीडर वो बने, या फिर हमें ऐसा लीडर बनाना है जो उसके पास मोटिव हो, जिसके पास एक्सप्लेनेशन हो कि वो कैसे काम करने वाला, वो क्या करने वाला, वो देश को क्या देने वाला। क्या आप यहाँ किसी का धन्यवाद करेंगे कि किसने कैंप ऑर्गेनाइज किया, कैसे किया? यहाँ पे जो कैंप था, वो कैंप के डायरेक्टर जो है वो रोहित शर्मा सर है, और उनकी वजह से भी हमें बहुत अच्छा लगा। रेड क्रॉस की टीम का भी धन्यवाद, क्योंकि उन्होंने इतना अच्छा मौका दिया। मेरे पास अभी, अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँ, तो स्कूल लेवल के बाद मैंने कोई कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं किया था जी, मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा लो हो गया था, नीट के लिए प्रिपेयर करता था, वहाँ पे सफलता नहीं मिली, तो लगा कि यार क्या फ़ायदा डिक्लेमेशन का, डिबेट का क्या फ़ायदा, आपके अच्छा वक्ता होने का। यहाँ पे आके पता चला कि हर एक चीज़ एजुकेशन नहीं होती, वो चीज़ें पर्सनल डेवलपमेंट भी होती। जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट यहाँ पर मिली, और जो मेरे घरों ने भी अंदर चेंज पाया कि हाँ मैंने क्या चेंज पाया, क्योंकि इससे पहले मैंने एनालिसिस का कैंप भी लगाया था, और मेरे घरों ने जब नोटिस किया कि हाँ तेरे अंदर पहले से बहुत चेंज आया है, तो मेरे खुद भी फील हुआ कि हमें पहले से ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। तो मेरे को लगा कि ऐसी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने से आप और कुछ हो या ना, लेकिन आप एक अच्छे पर्सनैलिटी जरूर बन सकते हैं और अपनी सोसाइटी के लिए ऐसे तक आगे। थैंक यू।